Hey guys, Assalamualaikum. I hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel. तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रीमी बटर केक, वो भी बेकरी स्टाइल में. तो बिना वक्त जाए कि ये चले स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मैं लूँगी 1 कप शुगर, 1 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर, 1/3 कप ऑयल, 3 eggs, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर. अच्छे से एग्स को हमने बीट कर लेने हैं. स्टार्टिंग में बिल्कुल हमने स्लो स्लो इसको बीट करना है. अब जी मैं ऐड करूंगी शुगर और इसको अच्छे से बीट कर लूंगी. अब मैंने ऑयल ऐड करना है. ऑयल हमें इस स्टेज पर ही ऐड करना है, वो इस वजह से क्योंकि फिर बैटर जो है ना वो फ्लफी नहीं होता. तो जी बैटर रेडी हो चुका है, बिल्कुल इस तरह फ्लफी होना चाहिए. अब यहाँ पे मैं लूँगी मैदा, कोको पाउडर एंड देन 1/2 टेबल स्पून में ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर एंड देन बिल्कुल इतना सा हमने बेकिंग सोडा ऐड कर देना है और इन सब चीज़ों को छान लेना है. एक चीज़ तो भाई मैं भूल ही गई, जो कि सॉल्ट ऐड करना है, वो भी पिंच. एंड देन मैंने इस बैटर में ऐड कर देना है. तो जी बैटर तो रेडी हो चुका है. देखिए बिल्कुल इस तरह होना चाहिए, ध्यान रहे इसमें लम्स ना पड़े. अब मैं केक का बाउल लूंगी और उसको अच्छे से ग्रीस कर लूंगी. अब मैं मैदा छिड़क दूंगी ताकि केक इजीली बाहर आ सके. फिर हमें सारा बैटर इस बाउल में डाल देना है. थर्टी मिनट्स के लिए कुकर में बेक कर लूंगी. वो बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें बेक करना है. तो जी 30 मिनट्स हो गए, अब चेक करते हैं कि केक कैसा बना है. लेट्स सी, ये स्टिक यूज़ करूंगी मैं. बिल्कुल परफेक्ट. ये केक तो रेडी हो चुका है. अब बारी है डेकोरेशन की. केक को ठंडा होने के लिए रख देंगे. जब ठंडा हो जाए देन उसके बाद हमें बीच में से कट कर देना है. अब मैं व्हिपिंग क्रीम लूंगी एंड देन उसको मेल्ट कर लूंगी. बिल्कुल इस तरह बनना चाहिए. यहाँ पे मैं चॉकलेट्स लूंगी और जो मैंने क्रीम मेल्ट की है वो ऐड कर दूंगी और इसको कवर कर लूंगी. चॉकलेट मेल्ट हो गया है एंड देन अब मैं इसको बीट कर लूंगी और बीट बहुत अच्छे से करना है. क्रीम जब तक थिक नहीं हो जाती तब तक हमें बीट करते रहना है. अभी तब तक करते रहना है जब तक क्रीम इस तरह थिक नहीं हो जाती. अब यहाँ पे जो मैंने केक की लेयर्स बनाई थी, अब उसकी एक लेयर पे मैं सिरप ऐड कर लूँगी मिल्क और शुगर का. देन उसके बाद यहाँ पे मैं क्रीम ऊपर से डाल दूँगी और इसको कवर कर लूँगी इससे. अब जो दूसरी लेयर थी वो ऊपर से मैंने रख दी एंड उसके बाद ये फिर से सिरप हमने ऊपर से ऐड कर देना है और फिर हमने क्रीम लगा देनी है और इसको अच्छे से सेपरेट कर लेना है, कवर कर लेना है केक को पूरा. देखिए बिल्कुल इस तरह क्रीम में केक को कवर कर लेना है एंड देन नाइफ के साथ इसको अब मैं सेट कर लूँगी. तो जी क्रीमी बटर केक इज हियर. तो देखिए कितना सॉफ्ट और कितना डिलीशियस बना है. तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. जाते जाते मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.